हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और जैसे कि आपको पता है कि HCL का ऑफर लेटर आ चुका था और अब मैं जा रही हूँ अपना लैपटॉप कलेक्ट करने। तो बुलाया गया है वहाँ पे और मैं थोड़ी सी डरी हुई हूँ, डर लग रहा है मुझे। और इसके अलावा खुश भी हूँ, मतलब बहुत बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिल रहा है। तो चलिए हम विज़िट करते हैं HCL ऑफिस, एंड आप ब्लॉग में बने रहिए और मैं आपको बताती चलूँगी क्या क्या होने वाला है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आई एम रेडी टू गो, जा रही हूँ। दोपहर का टाइम हुआ है, एकदम एग्जैक्ट 3:30 बजे बुलाया गया है। अभी तो एक घंटे पहले ही निकल रही हूँ क्योंकि रास्ते में भी टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से। तो आप देखिए, और पैदल पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि उबर ऑटो से जाना है। तो भैया ऑटो वाले वहाँ बाहर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, और वो अंदर आ नहीं सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमें ही बाहर जाना पड़ेगा। तो चलते हैं, आप बने रहिए ब्लॉग में और आपको दिखाते हैं। कितनी तेज धूप हो रखी है, बस हम निकलने वाले हैं सोसाइटी से बाहर। काफ़ी पैदल चल के जाना पड़ता है अंदर, तो मतलब बाहर आना पड़ता है, अंदर तो जाते ही हम लोग। अपना कन्वेंस ही सही रहता है, लेकिन फिर भी जैसे कि शायद वो हैं हमारे ऑटो वाले, चलते हैं उनके पास और उनसे पूछते हैं कि क्या समझा नाम है उनका। फाइनली बैठ गई हूँ मैं ऑटो में, भैया मिल गया हम लोगों को, हम जा रहे हैं ऑटो से। बड़ी गर्मी है यार। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी मैं जा रही हूँ टावर 4 में, और ये HCL का कैंपस काफ़ी बड़ा है। कैसे बताऊँ कितना बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा है और बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो वैसे यहाँ पे मतलब वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है, इसके बाद भी मैं कर रही हूँ। अंदर का अलाउ नहीं है अभी, ये तो मैं बाहर हूँ, तो बाहर तो मैं कर सकती हूँ, तो उसका कोई इशू नहीं है। मैं आपको दिखाता चलता, जैसे कि आप देख रहे हैं, मुझे बुलाया गया टावर 4 में,
फ़ोन वगैरह चेक करने के लिए उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा, तो आप देख सकते हो। आई विश कि HCL में अंदर भी अलाउ होता, काफ़ी अच्छा था, मतलब एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम का जो होता है ना बहुत ही अच्छा होता है। अभी मेरे पीछे देखो बैकग्राउंड इतना प्यारा है, तो किधर से जाना है यार, उधर से घूम के जाना है आई थिंक, पागल जैसे। वैसे मैंने लैपटॉप वगैरह कलेक्ट कर लिया है, लैपटॉप मिल गया है, उसमें आईडी वगैरह भी कॉन्फ़िगर हो गई है, और ग्रीनरी बहुत सही है, रुको दिखाते हैं। एक जो वाव वाली मोमेंट होती है ना वो है मेरे लिए यार, ये लाइफ में मतलब सोचा नहीं था मैंने, और मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा हार्डवर्क करते रहना चाहिए, भगवान जी देखते हैं और पे ऑफ होता है वो, तो ये काफ़ी खुशी है मुझे। ये देखिए यहाँ फाउंटेन है यहाँ पे, इतना बड़ा ही भगवान, इतनी खुशी हो रही है यार मुझे, बहुत अच्छा लग रहा जैसे कि आपने देखा मुझे लैपटॉप मिल गया है और मैं जा रही हूँ वापस, सब कुछ हो गया है, आईडी वगैरह कॉन्फ़िगर हो गई है, और अब बस काम करना है। और पीछे आप देखिए मेरी आवाज़ के साथ साथ फाउंटेन्स की भी आवाज़ सुनिए, अच्छा लग रहा है, कैंपस बहुत बड़ा है, बहुत खुश हूँ मैं, इतनी कि मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बहुत खुशी हो रही है और अच्छा लग रहा है यार। मतलब काफ़ी, एक तो पहली चीज़ तो ये ना कि बहुत दिन बाद के बाद ऑफिस आने को मिला है, ठीक है, अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था, और दूसरा इतना अच्छा ऑफिस मिलेगा तो किसी को ही नहीं अच्छा लगेगा, सबको ही अच्छा लगेगा। तो
बहुत खुश हूँ। और मैंने मम्मी को भी फ़ोन किया, वो भी बहुत खुश है, और मैंने उनको भी दिखाया। तो चलिए आप बने रहिए ब्लॉग में, और इसके अलावा नेक्स्ट ब्लॉग में शूट करूँगी जब मैं अपना वर्क प्लेस दिखाऊँगी धीरे से क्योंकि अलाउ नहीं है वहाँ पे शूटिंग वगैरह, तो दिखाऊँगी। और फिर आप बने रहिएगा ब्लॉग में, और अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए और कैंपस देखने के लिए और नोएडा से रिलेटेड जानकारियाँ लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।